नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2020 के भारत से अटके लिया उसके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी। मोदी द्वारा एक ही झटके में एक दो या तीन नहीं बल्कि 59 चाइनीज ऐप को वापस चाइना भेज दिया गया। यह चीन के लिए सीधे सीधे 20 बिलियन की चोट है। इन ऐप मेकर कंपनियों पर या तो ताले पड़ जाएंगे या फिर यह घुटनों के बल चीन में रेंगती नजर आएगी। आज हिंदुस्तान की हिम्मत पर जहां पूरी दुनिया हैरान है, वहीं बीजिंग तक हाहाकार मचा हुआ है। जिनपिंग समेत कम्युनिस्ट पार्टी की तमाम मंडलियां सदमे में आई हुई है। चीन को यह यकीन करने में अभी कई दिन लगेंगे कि भारत में बैठे सदी के सबसे बड़े कूटनीतिक योद्धा ने चीन को चारों खाने पछाड़ दिया है। उसके इकोनॉमिक हब के घमंड को अपने एक ही दांव से ताश के पत्तों की तरह धराशायी कर दिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नामक एक शख्स ने चीन की अर्थव्यवस्था के ताबूत में पहली कील ठोक दी है। यानी चीन अगर इसे अंतिम परिणति समझ रहा है तो यह उसकी एक और बड़ी भूल साबित होने जा रहा है। यह सिर्फ भारत की तरफ से एक शुरुआत है। मोदी तय कर चुके हैं कि ताबूत को उसकी जगह तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चाइनीज ऐप पर भारत ने जिस तरह एक्शन किया है उसके मायने चीन को समझ में आने लगे होंगे। भारत केवल सामरिक मोर्चे के साथ उसे आर्थिक मोर्चे पर भी धूल चटाने की तैयारी कर चुका है। जिस टिकटॉक पर चीन इतराया करता था उसका स्वदेशी विकल्प चिंगारी और मित्रों अब बाजार में आ गया है। 24 घंटे के भीतर ही इन्हें 10 लाख से ज्यादा यूजर डाउनलोड कर चुके हैं। खुद प्रमुख व्यवसायी आनंद महिंद्रा ने ऐप डाउनलोड करके अलविदा चाइना का नारा बुलंद कर दिया है। दुनिया भर की मीडिया में भारत की चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक के चर्चे हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्रेटबर्ट न्यूज ने तो यहां तक कहा है कि मोदी चीन का गरूर तोड़ने में ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए कहीं आगे निकल गए हैं। यानी मोदी का सामना करना जिनपिंग और उसके साम्यवादी चमचों के लिए आसान नहीं है। पर मामला यहां तक नहीं है। सदमे में पड़ा चीन अब मोदी के अगले कदम का इंतजार ही कर सकता है। चीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह प्रत्युत्तर में भारत के जवाब में एक्शन ले सके, क्योंकि उसकी 140 करोड़ की आबादी पहले ही दुनिया के गुस्से का सामना कर रही है। रही सही कसर चीन में 10 से ज्यादा प्रांतों में आई भयानक बाढ़ ने पूरी कर दी है। यहां तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थरी ग्रोजेस डैम के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। चीन जैसा धूर्त पड़ोसी केवल साइबर हमले जैसे कदम उठाकर अपनी तसरीफ का दर्द कम कर सकता है, परंतु आज का भारत इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। भारत द्वारा चाइना के 59 मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित करने से शी जिनपिंग पर घरेलू दबाव बढ़ना तय है। इससे अकेले चीन में ही लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। इन ऐप मेकर और इन कंपनियों से जुड़े वर्कर का गुस्सा भी जिनपिंग की नीतियों पर फूट सकता है। पर यह कहानी की शुरुआत मात्र है। सरकार ने चाइना में निर्मित 600 से ज्यादा ऐसी वस्तुओं की एक ऐसी सूची तैयार कर ली है जिनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरती है। इनकी इसी कमी को आधार बनाकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक इन पर स्ट्राइक की पटकथा लिखी जा चुकी है। चाइना प्रोडक्ट बैन होंगे तो चीन की 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर बंद हो जाएगी, जिनमें काम करने वाले लगभग 6 लाख चाइनीज पूरी तरह बेरोजगार हो सकते हैं। साथ ही सरकार चाइनीज प्रोडक्ट पर ड्यूटी 100 से 150% बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है, जिससे चाइना के घटिया और सस्ते सामान के मुकाबले भारत के गुणवत्ता में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा मिल सके। यानी वोकल को लोकल से परास्त करने का खाका लगभग तैयार हो चुका है। बिहार सरकार ने 29 अरब रुपए के भारी भरकम ठेके को निरस्त करके चीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए के टेंडर से चाइना का पत्ता साफ कर दिया है। भारत सरकार ने भी निर्देशित किया है कि सभी प्रोडक्ट पर मोटे अक्षरों में उसका निर्माण करने वाले देश का नामांकित करना होगा। यानी चीन की चाशनी अब धीरे धीरे कड़वी हो रही है, जिसे चखने का जोखिम अब कम से कम भारत नहीं उठा सकता है। चीन ने भारत की संप्रभुता की तरफ केवल उंगली भर उठाई थी, पर या तो वह अपना पूरा हाथी गंवाने जा रहा है। एलएसी पर सेना ने अपने पराक्रम की झलक मात्र से जिनपिंग और उसकी सेना की नींद उड़ा रखी है। भारत की जनता ने चाइना बॉयकॉट का बिगुल बजाकर चीन की फैक्ट्री पर ताले डलवाने का प्रबंध कर दिया है। ऐसे में साम्यवादी मुल्क का पतन होना लगभग तय है। 1980 के दशक में चीन ने जिस जोश के साथ अपने बाजार को दुनिया के लिए खोला था, उसके बल पर उसने तरक्की के कई आयाम स्पर्श किए हैं। मगर जिनपिंग जैसे तानाशाह की वजह से चाइना अब धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। उसका सामना हजारों मील दूर बैठे अमरीका से होता तो बात बिल्कुल अलग थी, मगर अपने ही पड़ोसी भारत से पंगा लेकर उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। वैसे भी दूर बैठे शत्रु से निपटना कहीं आसान होता है। अगर शत्रुता किसी पड़ोसी से हो जाए तो वह कई गुना भारी पड़ती है।
फिर या तो चीन ने अपने दुश्मनों की तादाद ही ऐसी सीमित कर ली है। ऐसे में चाइना किस दिशा में जा रहा है इसका आभास आज चाइना को जरूर हो रहा होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।